2021-22 के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, उनका विवरण प्रस्तुत करूंगा जो 21-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आरंभिक वक्तव्य में उल्लेख किया था कि आजादी की सालगिरह की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगामी वर्ष देशभक्ति के वातावरण से ओतप्रोत रहेगा, इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार भी इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 75 साल पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले से देशभक्ति के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आगामी 12 मार्च से दिल्ली में देशभक्ति की एक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी और पूरी दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से इस वर्ष को आन बान शान के साथ मनाएगी। इस क्रम में देशभक्ति बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। 12 मार्च से शुरू हो रहे देशभक्ति आयोजनों की श्रृंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आजादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली का विजन, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आजादी की लड़ाई में सरदार शहीद भगत सिंह का जीवन और भारत को लेकर देखे गए उनके सपने हमारे नौजवानों के लिए, पूरे देश के नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। आजादी के 75वें साल में शहीद भगत सिंह जी के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं ताकि उनके जीवन पर कार्यक्रम, भगत सिंह जी के जीवन पर कार्यक्रमों के जरिए हम चाहते हैं कि देश की वर्तमान युवा शक्ति उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और इस भाव के साथ जिए कि हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको जीना सिखा जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत फांसी पर लटकाया गया, सैकड़ों भगत बन जाएंगे मरते मरते। इस उद्देश्य के साथ एक अलग से पूरा कार्यक्रम शहीद भगत सिंह जी को समर्पित चलेगा, पूरी कार्यक्रमों की श्रृंखला। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, भारत की आजादी से लेकर आजाद भारत की रूपरेखा बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह किया, वो भी अपने आप में संघर्ष, देशभक्ति और दूरदर्शिता की एक बहुत अनोखी मिसाल है। बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां जात पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों के संविधान और हिंदुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड़ की प्रस्तावना कर रहा हूं। इसके जरिए हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें साल में बाबा साहब को याद करते हुए हर एक हिंदुस्तानी ये कहता हुआ पाया जाए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से। यह बाबा साहब की देन है इस देश में कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके, यह बाबा साहब ने दिया है। उसको याद करते हुए हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ में उसको सम्मान करते हुए और उसको और स्थापित करने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाएंगे इस पूरे वर्ष में। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत की 75 साल की हमारी यात्रा में हमारी पहचान का, हमारे अस्तित्व का, हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। दिल्ली के आसमान को, पूरे आसमान को तिरंगे से सजाएं। हम लोग जब दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सबने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमने। 200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं, कोई भी हिंदुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। हाल में मैंने NSUT में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के एक तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देख के भी वहां से निकलने वाले, द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा, मुझे भी कहा मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए एकदम मन देशभक्ति से रोमांचित होकर उठता है तिरंगे को लहराते हुए देख के। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार। इन 500 तिरंगों के साथ
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन 500 तिरंगों के साथ, आसमान की ऊंचाइयों में लहराते इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी दिल्ली को आजादी के 75वें साल में इस तरह से सजाएंगे कि आप दिल्ली में भले ही 1 या 2 किलोमीटर अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलें, आपको कहीं शानदार तिरंगा लहराता हुआ नजर आए और आपके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठे, आपके अंदर देशभक्ति का रोमांच भड़क उठे। इसके लिए बजट में 45 करोड़ रुपए का अलग से प्रस्ताव कर रहा हूं। इस तरह की वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।